बीच तो मैं बीच में उठ गया था, फिर दो लेक्चर में आप लोग का टेस्ट था। चलो अब तो शायद मुझे जहां तक पता चला आपका फ्रिक्शन एनलेम दोनों हो गया है। फ्रिक्शन चालू है, फ्रिक्शन अभी चालू है, चालू हुआ है। हाँ, न्यूटन्स लॉ मोशन हो चुका है, एनएलएम हो गया है सर, फ्रिक्शन चालू है, फ्रिक्शन अभी चालू हुआ है। तो फ्रिक्शन का तो एक ही लेक्चर हुआ अभी। ओ ठीक है ठीक है, रेड हाउस में तो मुझे लगता है फ्रिक्शन खत्म होने वाला होगा। नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर नहीं। अच्छा ठीक है, फिर कोई नहीं, फ्रिक्शन नहीं करता, मैं सोचा कि आज कुछ फ्रिक्शन करा दूंगा। पिछली बार शायद ये वेज कंस्टेंट कुछ कराया था क्या, स्ट्रिंग कंस्टेंट तो मुझे याद है, दो लेक्चर में। यस सर, आपने दो क्वेश्चंस दिए थे और एक क्वेश्चन आपने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आपको कुछ जल्दी जाना था। सब क्वेश्चन शायद से लिखा रहेगा, एक सेकंड। वेज कंस्टेंट के क्वेश्चन एक भी कराए हैं मैंने सर, उस दिन आपने लास्ट लेक्चर में एक करवाया था और एक होमवर्क दिया था। ठीक है चलो, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मुझे आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले इसको कीजिए, वेज कंस्टेंट का क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड। हो सकता है सेम क्वेश्चन सर ने कराया हो, सब लोग कराते हैं इस क्वेश्चन को, वेज कंस्टेंट का फंडामेंटल यही है। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, कराया सर ने यही सेम क्वेश्चन क्या? सेम कराया होगा तो बता देना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत बता के निकल जाऊंगा। सेम क्वेश्चन कराया है क्या सर ने? नहीं सर। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, फिर अगर पहले नहीं किए, मैं तो मुझे लगा कराया मुझे इसके लिए बोल दिया, अगर पहले नहीं किया तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए। या मैंने कराया था क्या पिछली क्लास में इसको? ठीक है नहीं कराया, अच्छे लिखी जी, कोई नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है इसके थ्रू, इसके लिए लिया। मुझे लगता है मैं शायद करा चुका हूं आप लोगों को सेम क्वेश्चन। हेलो, नहीं सर नहीं कराया, पिछली क्लास में सेम क्वेश्चन नहीं कराया था उसको, तो मैं देखूं, डाउट हो रहा है। ओ नहीं, ऐसा वाला कराया था, ठीक है नहीं कराया होगा, ठीक है फिर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट याद करो, पिछली बार जो मैंने किया था ना उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया था जो इसमें यूज करेंगे, बट फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। 10 मिनट का टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट खुद से सॉल्व कर लोगे तो यकीन मानो बहुत खुशी होगी मुझे, अगर फाइनल आंसर तक आ गए तो।
कुछ आइडिया? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, मैं कर दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते।
बोलो कुछ, कोई आंसर बताएगा क्या? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलो मेरी बात सुनो, छोड़ो, मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो बताता हूँ, बट कि ये सॉल्व करने में कहाँ मदद मिलेगी। एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसको हम गिवन डायग्राम के हिसाब से माइनस ए आई कैप लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ध्यान देना ये है कि ये तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए है ना, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर बी दिख रहा है। यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए को हम लोग क्या लिखेंगे बता दीजिए मुझे, आई कैप जे कैप में? बी कॉस, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, हाँ या ना? बोलो बेटा, थीटा बेटा सही लिखा मैंने? नहीं नहीं, कुछ गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सर वो माइनस बी नहीं होगा, ये बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ऐसा होगा। ये सही है? यस सर। देखना, मैं थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में ऐसा कर गया, ये बी है तो ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा, होगा ऐसा? यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर मैं लिखूं तो इसी बी रिलेटिव टू ए में ए ऐड कर दूं तो हमारा काम चलेगा। सो बी कॉस थीटा माइनस ए आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप, ये मुझे मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ बी और ये है मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। दिमाग क्या लगाना है इस क्वेश्चन में समझिए, वैसे आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, टाइम लगेगा, दिक्कत होगी, फोर्स वोर्स रिजॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग ये लगाना है आपको जो फंडामेंटल है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा वैसा कुछ है? Yes. तो अगर हम ए और बी दोनों को एक सिस्टम माने तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स एक्स के अलोंग कुछ भी नहीं है, वाई के अलोंग तो ग्रेविटी का फोर्स है स्मॉल mg नॉर्मल नॉर्मल का, बट इस पूरे सिस्टम में अलोंग एक्स नेट फोर्स जीरो है? हाँ या ना? बोलो बेटा। यस सर। तो इस बात को हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कुछ भी हो, कैसे आ रहा है, टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस ए स्मॉल अलोंग एक्स प्लस ए स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये सम तो जीरो ही होना चाहिए। सर आप वो वापस से बता सकते हैं जीरो क्यों होगा? मैंने कहा ना ए और बी दोनों को अगर सिस्टम हम मानते हैं तो इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। इंडिविजुअली स्मॉल एम पर लग रहा है, उसके नॉर्मल का कंपोनेंट वगैरह, एक्सटर्नल केवल 2m पर देखें तो लग रहा है, बट m और 2m दोनों को अगर सिस्टम ले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज अलोंग x नेट फोर्स जीरो है। यस सर। तो
उसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि नेट फोर्स अलोंग एक्स 2m पर इतना हुआ, नेट फोर्स अलोंग एक्स m पर इतना हुआ, तो दोनों का सम जीरो होना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। तो मैं यहां से लिख दूंगा, अब 2m को हटा दो, बाकी आप लोग देख लेना, माइनस 2a, और इसको लिखूंगा तो प्लस बी कॉस थीटा माइनस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो 3a इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये a और b में कंस्ट्रेंट रिलेशन मुझे मिला, वेज कंस्टेंट जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से ए और बी में ये कंस्टेंट रिलेशन मिला। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। सोच के बोलिए। यहां तक आप लोग कॉपी कीजिए, कॉपी भी करते चलिए, ताकि मेरा पर्पस है आपसे खुद सॉल्व हो, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखते लिखते कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पता चलेगा, एक एक स्टेप समझते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ऊपर बढ़ो क्या? यस सर। ये लिख रहे हो अभी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ो, बोलो। ठीक है, अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, केवल बी का देखते हैं। तो बी पर इसका खुद का वेट mg नीचे एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगा, यही दो फोर्सेस हैं बी पर। यस। अच्छा, ये एंगल प्रोबेबली थीटा होगा, है ना? हाँ सर। तो इनका कंपोनेंट n cos थीटा इधर हो गया, और n का कंपोनेंट n sin थीटा इधर हो गया। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? b का। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। एक्सेलरेशन ऑफ बी ऊपर जरा देख के बताइए क्या आया है? बी कॉस थीटा माइनस ए आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप। एक सेकेंड बेटा, तो बी या लिख देता हूं, तो दोबारा बी कॉस थीटा माइनस ए को 2a लिख सकते हैं, क्योंकि बी कॉस थीटा तो 3a आ चुका है। यस सर। यही है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी था। यस सर। तो बी कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बी मुझे मिल गया है 3a माइनस ए, देखते रहना कहीं कलर की मिस्टेक हो तो, 2a आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप। अब अगेन दो वेरिएबल है a और b, तो b को हम 3a अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो b को लिख दीजिए 3a अपॉन cos थीटा, तो ये 3a tan थीटा हो जाएगा बेटा। यस सर। तो अब हमारे पास थीटा तो नोन है, थीटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? नहीं सर। अरे हाँ, थीटा दिया हुआ ना क्वेश्चन में, वैल्यू नहीं बट थीटा के टर्म में आंसर रखना है ना? हाँ सर। Yes, sir. Theta, small m, cap, दोनों m, यही दो वैल्यू है। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन ऑफ b और एक यहाँ दिख रहा है, तो अब देखो सब इधर देखिएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
n sin theta is equal to a small m into 2a? आया ना? n sin theta is a small m into 2a or n cos theta is ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो mg minus n cos theta. mg minus n cos theta is a small m into 3a tan theta. हो गया? हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करो, अब मैं नहीं को सॉल्व करूंगा. n की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के 2 में पुट कर दो तो स्मॉल a मिल गया. मिला कि नहीं? बोलो ना बेटा, या मेरे सॉल्व करने का वेट कर रहे हो तो भी बता दो. तो n का वैल्यू यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो स्मॉल a मिल जाएगा, और स्मॉल a मिल गया तो b मिल जाएगा 3a by cos theta. मिल जाएगा ना? यही a और b मुझे ढूंढना था, तो इसके आगे सॉल्व करके बता दीजिए मुझे आंसर. मैं देख के लिख देता हूं क्या दिया हुआ है. 3 minus cos square theta. आंसर ऐसा है, a का g sin theta into cos theta upon 3 minus cos square theta. और B का आंसर है 3g sin theta upon 3 minus cos square theta. एक बार चेक करके आंसर तक पहुंचे, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं कर दूंगा सॉल्व. वैसे मुझे नहीं लगता है करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ तो कर दिया. करके देखिए आया है नहीं आंसर, और मुझे बताइए आगे आंसर, तो आगे बढ़ूं. एक सेकंड, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन देखो कौन सा करेगा. अच्छा ये करा चुका. हो गया? यस सर, ए और बी का आंसर हो गया. आंसर मिल गया? हाँ सर, मैच में मैच कर गया, तो आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया. हो गया सब लोग? हो गया ना पक्का? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, पिछले वाले के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा कंसेप्चुअली इजी है. कैलकुलेशन तो जो भी हो ये कोशिश कीजिए. आज हम लोग वेज कंस्टेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना? कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन वेज कंस्टेंट के ही कराऊं.
बोलो क्या सीन है, कुछ हो रहा है? बोलोगे बेटा? आवाज आ रही है? हाँ सर। देख, क्वेश्चन देख के डर गए। यकीन मानो सबसे छोटा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कम है बाकी क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। तो देख के अगर डर गए हो तो प्लीज डरो मत, मैं ये कह रहा हूं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा पुली कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों यूज हो जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा शायद। अच्छा पता 5G/2 5G/2 20 नहीं बेटा, करवा लेता हूँ। Yes.
बोलो बेटा कोई तो बताओ। नहीं चलो देखो इधर, नहीं करता हूं, नहीं ये होना चाहिए था, ये मैं डिसअपॉइंट हो गया, इसमें मैं डिसअपॉइंट हो गया सच बोलूं तो। सुनो जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, अगर बी का एक्सेलरेशन अपने मन से कुछ मान लो, अच्छा सी का चाहिए ना मुझे, सी का चाहिए तो सी का ही मान लो, सी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो अपवर्ड होगा, ए का कोई मूवमेंट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बीच में चली गई थी, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूं अगर बी का एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है तो सी का कितना होगा, नहीं बताने वाला, ये तो स्ट्रिंग कंस्टेंट है ना, सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बाय टू, ए बाय टू अपोन, आवाज आ रही है मेरी तो लैग हो रही है। हाँ सर, यस सर एकदम क्लियरली नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। अरे ये इंटरनेट का पता नहीं क्या इशू है आजकल। मैं आपको कह रहा था अगर B का एक्सेलरेशन मैं A डाउनवर्ड लेता हूं तो C का A बाय टू अपवर्ड होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
नो सर नहीं सर तो ए और सी के बीच हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लिया हाँ सर अब मुझे ए और बी में कंस्ट्रेंट बताएंगे अगर इसका एक्सेलरेशन बी का ए डाउनवर्ड है तो ए का इधर कितना होगा बता सकते four, हैं four क्या? By three है फोर बाई थ्री है अरे थीटा के टर्म में बता वैसे नहीं मुझे समझ आएगा ए टैन थीटा ए बाई टैन ए कॉट थीटा होगा ए कॉट थीटा होगा हाँ सर ए मैं जो पूछ रहा हूँ फिर से बताओ ए कॉट थीटा वाला पार्ट सबको आता है या मुझे समझाना है हाँ सर आगे आता है सर सबको आता है ए कॉट थीटा वाला पार्ट ठीक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर टेंशन टी यहाँ पर एम सी इंटू जी ठीक है सो सी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो टू टी माइनस मास ऑफ सी इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ए बाई टू सी की वैल्यू स्मॉल एम पुट कर देते हैं तो ये हो गया टू टी माइनस स्मॉल एम जी is equal to small m into a by 2 ये हो गया एक इक्वेशन b का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो b पर t इधर लगा b पर a और b का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा और b पर b का खुद का वेट इधर लगा यही तीन फोर्सेस होंगे Yes, अच्छा ये एंगल थीटा होगा yes, तो बी का अगर मैं फ्री इक्वेशन लिखूं तो एम बी इंटू जी माइनस टी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी इंटू ए ऐसा होगा यस बी का मास इज टू एम सो टू एम जी माइनस टी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू टू एम ए ये हो गया इक्वेशन टू यस सर अच्छा और ए का अगर इक्वेशन लिखे तो ये तो बहुत आसान है ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ए पर इधर एन साइन थीटा लग रहा है यस सर तो ए के लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है n sin theta is equal to mass of a into acceleration that is a cot theta mass of a कितना है 9m by 64 है ना तो इसको यहां पुट कर दीजिए तो ये मेरा हो गया n sin theta is equal to 9m by 64 small a into cot theta इसमें थीटा की वैल्यू मुझे पता है अननोन क्या क्या है small a t और n तो तीन इक्वेशन तीन अननोन मिल जाएगा यस सर मिल जाएगा यस सर तो मुझे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी पूछा है मतलब ए मिल गया तो ए बाई टू की वैल्यू पूछा है हमसे ठीक है तो इन तीनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए वो मैं क्वेश्चन बाद में देखा अगर सी का ए पूछा है तो मैं सी का ही ए ले लेता तो ये टू ए हो जाता फिर वैसे कर देता बट क्या फर्क पड़ता है सॉल्विंग वन टू एंड थ्री ए कितना आएगा बता दीजिए मुझे
आइडियली A6 आना चाहिए, एक बार करके मुझे बताना आप लोग, A की वैल्यू 6 m/s² आना चाहिए आंसर के हिसाब से, क्योंकि आंसर में A/2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है आंसर में। देख के चेक करके मुझे बताइए सब लोग सॉल्व करके। तो एक क्वेश्चन में वेज और स्ट्रिंग कंस्टेंट दोनों थोड़ा थोड़ा यूज हो गया, इसके लिए दिया था मैंने। हाँ सर, A6 आ रहा है। वेरी गुड। यस सर, आ गया। आगे आगे बैठो। यस सर, सबका हो गया, आगे बढ़ो बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन की। कौन सा नंबर होगा? थर्ड होगा शायद ना। यस सर। कोशिश कीजिए। Thank you.
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। हाँ जयानी, जयानी बेटा तुम्हारे साइड कुछ प्रॉब्लम होगा, सबको दिख रहा है इसलिए मैंने पूछा।
So 25 by 2 j minus 25 by 4 i. नहीं गलत. एकदम इजी. वेरी गुड बेटा. अच्छा ने कुछ सही आंसर दिया. क्या दिया बेटा बोलो तो. आपने चैट में अच्छा बेटा सही आंसर लिखा है इसलिए पूछ रहा हूं. अच्छा आंसर केविन. केविन बेटा गलत आंसर है. अच्छा पाठक बता बेटा. एक आंसर आपने लिखा है बट वो एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है मुझे पता नहीं चल रहा है इसलिए नहीं कह रहा हूँ. वेरी गुड बहुत बढ़िया. एक्स 14 और वर्टिकल वाला 26 सही आंसर है आपका. वेरी गुड. बाकी लोग ध्यान से देखो जरा. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. इसमें शायद कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है. सही से वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे आई मीन कंपोनेंट वगैरह तो आपका काम चल जाएगा. मैं जरा केवल इस ग्राफ को कॉपी करता हूं दोबारा ताकि आपको दिखा सकूं. देखिए देखो सब लोग आवाज आ रही है सबको. यस सर. यस सर. तो मेरा नेट एक तो नेट भी खराब है मुझे समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं बीच में ब्लैंक हो जाता हूँ. मैं इस ग्राफ को एक बार दोबारा बनाता हूँ. मेरा नेट खराब है मुझे बार बार लगता है मेरी आवाज तो नहीं चली गई इसलिए बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहो. क्या क्या दिया हुआ. ऑल सरफेसेस स्मूथ वेज ए मूव टुवर्ड राइट विद 10 मीटर पर सेकंड. अच्छा ओके तो ये मुझे पता है कि ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से तो ये मुझे पता है. वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए. वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन. चलो ये भी अच्छा है कि इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू ए इधर ही है ये भी मुझे पता है. कितना है नहीं मालूम बट इधर है ये पक्का है. अच्छा मैम वैल्यू भी पता है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है तो ये है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड. Find horizontal and vertical component of velocity of block C. तो C की velocity मैं अपने मन से horizontal वाला इधर मान लेता हूँ Vx और vertical वाला इधर मान लेता हूँ Vy अपने मन से. तो मुझे यही Vx और Vy ढूंढना है. Question समझने में कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर. किसी को क्वेश्चन समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो बताओ. नो सर. पक्का? पक्का सर. तो एक चीज देखो. एक सेकंड. इसकी वेलोसिटी जो वेज बी है समझने का एक चीज ध्यान दो. वेज बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 इधर है ना. तो विद रिस्पेक्ट टू ए बी की वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो ये 37 डिग्री. तो ये भी 37 होगा बेटा. Yes. Yes. तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5 cos 37. 4. तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया और इधर ये मेरा 3 मीटर पर सेकेंड हो गया. लेकिन याद रहे कि ये विथ रेस्पेक्ट टू ए है तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट 10 + 4 = 14 हो जाएगा. Yes, sir. Yes, 14 होगा.
और b का अगर 14 होगा तो b और c हमेशा कांटेक्ट में है, तो vx 14 हो गया, ऐसे ही मिल गया मुझे। yes, सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? यस यस सर। कोई इवन आयोटा ऑफ डाउट हो तो बताओ x कंपोनेंट कैलकुलेट करने में। नो सर। नहीं तो चलो, x कंपोनेंट तो हो गया। y कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सेंस से कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा देते हैं। तो ये वाला जो पुली है, एक तो लिख के भी कर सकते हैं बट वो आप लोग एक बार पढ़ चुके हो तो मुझे वो सब बताना अच्छा नहीं लगता। ये वाला जो पुली है, कौन वाला, ये जिसके ऊपर मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, ये वाला जो पुली है, इसकी वेलोसिटी वही होगी जो बी की है। यस है ना, इसकी वेलोसिटी वही होगी जो बी की है। पक्का? यस सर। यस सर। यस। तो इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये ये तो नीचे भी बी आ रहा है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? और इस स्ट्रिंग का एंड पॉइंट यहां से जॉइंड है ना। तो अगर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मैं इसको दे देता हूं, ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, ध्यान से देखना सर, ये जो आपका स्ट्रिंग का लेंथ है, मैं इसमें लेंथ कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये समझ आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे वाह, कौन आ गई ये पढ़ने, ये छोटी बच्ची कौन है? बहन थी सर। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ आया? यस सर। स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला मेथड कि यहां से जिस रेट से स्ट्रिंग का लेंथ छोटा होगा और यहां से इन दोनों के बीच का सेपरेशन जिस रेट से छोटा होगा, इन दोनों का सम ही c का वाई कंपोनेंट होगा। यस सर। यस यस। स्ट्रिंग कंस्टेंट जैसे मैंने बताया था, किस रेट से छोटा होगा वो वाले प्रोसेस से अगर जाओगे तो ऐसा होगा। यस सर। तो ये वाला पॉइंट, एक तो ऊपर वाला, कैसे समझाऊं? अरे सर, देसी मेथड कहा था सर आपने इसको, यहाँ से आपने 10 यहाँ पर लिया। वही देसी मेथड ही कह रहा हूँ, वही देसी मेथड ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देसी मेथड में लिखने का कम है ना, तो इसीलिए शायद समझ पाओगे कि नहीं, बार बार मुझे वही डाउट होता है। तो देखो चलो कोशिश करते हैं फिर भी। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड का ये वाला कंपोनेंट 4, तो 10 + 4 मिला के ये 14 से इधर जा रहा है, ना? Yes, ये सेपरेशन 14 का जो cos 37 कंपोनेंट है, उस cos 37 कंपोनेंट के रेट से कम हो रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन। yes, तो इस पॉइंट को अगर मैं, नहीं ये भी तो लिखा हुआ है, कुछ नाम देता हूँ 1 और 2। तो ऐसे समझो कि 1 और 2 के बीच का लेंथ जो डिक्रीज हो रहा है उसका रेट 14 cos 37 है। yes, है ना, और इसको 1 इसको 2, तो इस पॉइंट को 3 कर देते हैं। इसी तरह मुझे बताओ कि 2 और 3 के बीच का रेट लेंथ जिस रेट से कम हो रहा है वो कितना है, क्योंकि इन दोनों का सम ही मेरा vy होगा। होगा
हाँ सर सोच के बताइए। सोच के बताइए। नहीं सर टेन आएगा। नहीं बेटा टेन नहीं आएगा। चलो सुनो छोड़ो, अगर थोड़ा सा ये विजुलाइज, ये देसी मेथड में दिक्कत है ना, देसी मेथड के साथ ये प्रॉब्लम है कि विजुलाइज करने में दिक्कत होती है। तो देसी मेथड ही बता देता हूँ, बट पहले मैं ये वाला मेथड बताता हूँ जो एक्चुअल में है। सुनो, जिसमें कोई देसी पना नहीं। इस लेंथ को L1 कह देते हैं, इस लेंथ को L2 कह देते हैं, और इस लेंथ को L3 कह देते हैं। ठीक है? ठीक है। तो L1 प्लस एल टू प्लस एल थ्री कॉन्स्टेंट होगा, मतलब डी एल वन बाई डी टी प्लस डी एल टू बाई डी टी प्लस डी एल थ्री बाई डी टी ये जीरो होगा। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें से डी एल थ्री बाई डी टी मुझे ढूंढना है। Yes sir. Yes sir. D L1 by D T क्या होगा? 10 होगा। A जिस रेट से आगे जा रहा है वही होगा ना? Yes sir. D L1 by D T मतलब minus 10, अपनी लैंग्वेज में minus 10 होगा। हाँ या ना? Yes sir. Yes sir minus 10. और डी एल थ्री बाई डी टी यही मेरा वी वाई है जो कि मुझे ढूंढना है, तो प्लस वी वाई। डी एल टू बाई डी टी अगर मुझे मिल गया तो मेरा काम चलेगा। तो डी एल टू बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं माइनस फाइव माइनस टेन कॉस 37। डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, तो माइनस फाइव माइनस टेन कॉस ऑफ 37। ये तो इसकी वजह से, साथ ही साथ बी के नीचे जाने की वजह से भी डिक्रीज होगा, तो उसको माइनस फाइव 37 फिर लिख सकते हैं। माइनस फाइव साइन 37 दिस इज इक्वल टू जीरो। ये वाला टर्म समझने में दिक्कत है तो बोलिए फिर से एक बार। हाँ सर नहीं समझा। दिक्कत है, चलो सब ध्यान से देखेगा। ए की वजह से ये 10 समझ आया? ये 10? यस सर। तो ये 10 का कॉस 37 कंपोनेंट समझ आया? हाँ सर। तो इस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला टर्म समझ गए? यस सर। अच्छा, ये वाला पुली इस वेज के साथ 5 से आगे जा रहा है? नहीं, एक मिनट और। ये जो बी है ये 5 से नीचे आ रहा है इधर? Yes. तो इसके 5 से नीचे आने की वजह से 5 का साइन 37 कंपोनेंट जो होगा उसकी वजह से भी इसके बीच का, क्योंकि ये जब b नीचे आएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा ना साथ में? यस सर। यस। पुली a जो है हमारा ये b के ऊपर माउंटेड है, तो B जिस रेट से नीचे आ रहा है ये उस रेट से फिर नीचे भी आएगा ना? नहीं समझ रहे ना? नहीं सर समझ। अच्छा,
ये 10 का 10 cos 37 तो आप समझ गए होंगे, इसमें मुझे डाउट नहीं लग रहा है। 10 का 10 cos 37 समझ गए, और ये वाला 5 भी समझ गए आप? यस सर। है ना, ये वाला 5 सच में समझे कि नहीं, बोलिए। हाँ सर समझ गए। ये 5 क्या है? ये सुनो सुनो, ये 5 ये है, ये वाला जो रेट 5 है ये वही 5 है ना? हाँ सर। तो कि 37 पैरेलल लाइन हो गया ना, तो ये 10 cos 37 आप समझ गए और ये वाला 5 समझ गए। और ये जो 5 का sin 37 कंपोनेंट है, ये जो 5 का sin 37 कंपोनेंट है, ये sin 37 कंपोनेंट क्या हो गया? तो 5 का वो वाला कंपोनेंट जो 1 और 2 के अलोंग है। यस सर। मतलब ये जो vy है ना, अच्छा तो एक मिनट रुक, लिखने दो मुझे, पहले लिख लेने दो पूरा। तो ये मैं इसको मैं लिख दूंगा, 37 की वैल्यू पुट कर दो, तो -10 प्लस vy -5 cos 37 होता है 4/5 ना, तो -4/5 -5 sin 37 मेरा हो जाएगा 3/5, दिस इज इक्वल टू 0। तो 5 2 जा 10, ये 5 5 गया, तो -15 प्लस vy -8 -3 दिस इज इक्वल, देखते हैं आंसर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो ये कितना आया? 26 vy। मैंने आंसर क्या बताया था, वही बताया था क्या? यस सर। 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 8 26 मीटर पर सेकंड। हाँ मतलब सही किया है मैंने, तो vy की वैल्यू 26 मीटर पर सेकंड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, एक बार जरा सा डायग्राम वाले में तो मुझे ही लगता है कोई दिक्कत है, ये dl1/d2 dl2/d2 dl3/d3 को एक बार खुद से लिखने की कोशिश करो। लिखते वक्त हो सकता है जहां भी दिक्कत है वो आप समझ जाओ, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ, कोई इजी रास्ता चुनता हूँ। तब तक आप पहले कॉपी करते रहिए, मुझे सोचने दीजिए। लिख रहे हो सब लोग? ये सही है, गलत नहीं है, मैं इसका पोजीशन खाली अलग लिख देता हूँ, मैं इसका पोजीशन अलग देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, vy -5 sin 37, कुछ नहीं, vy को उठा के यहां से यहां रखा ताकि शायद आपको एक साथ लिखा रहे तो समझने में कहीं आसानी हो। vy 5 sin 37 मतलब ये 3, तो b जो 3 से नीचे आ रहा है उसकी वजह से ये पुली भी नीचे आ रहा है ना, तो C की एक्चुअल वेलोसिटी अगर देखा जाए, मैं इसको dl3/dt में लिख देता हूं, उसमें छोड़ देता हूं। सुन रहे हो सर? यस सर। एक काम करो सर, वो अब आपने वैसे अच्छे से करके लिखा तो फिर समझ गया कि वो 5 sin 37 हाँ, कहां से आया। नहीं तो अब उसको मैं एक छोटा मेथड शायद समझ जाओगे इसलिए मैं हटा रहा हूं।
मतलब जिसमें समझने में शायद कोई दिक्कत ना हो। सब लोग मेरी तरफ एक बार ध्यान से देखो, ये वाला जो इक्वेशन है इसी को फिर से लिख रहा हूं, डीएल वन बाई डी टी, इसको तो मैं लिख दिया डी एल वन, इसको लिखा था ना, तो डी एल वन बाई डी टी को माइनस टेन, कोई दिक्कत नहीं। डी एल टू बाई डी टी को मैं टेन कॉस 37 प्लस 5 माइनस साइन के साथ, yes, देसी मेथड वाला कहानी, 10 cos 37 प्लस 5 माइनस साइन के साथ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, नहीं। मैं ये वाला जो कंपोनेंट है ना इसको c के साथ ऐड कर देता हूं, देखो कैसे, dl3 by dt, तो ये जो l3 इंक्रीज करेगा ना इसमें दो पार्ट होगा, एक पार्ट तो vy होगा और दूसरा b भी तो नीचे आ रहा है, तो B खुद 3 से नीचे आ रहा है और C VY से नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? तो L3 एक्चुअली में कितने से इंक्रीज करेगा? VY माइनस 3 से करेगा। Yes. C ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VY से नीचे आ रहा है और B ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 3 से नीचे आ रहा है, तो एक्चुअल में जो लेंथ L3 है वो तो VY माइनस 3 से इंक्रीज कर रहा है। समझा सब लोगों ने? यस सर। ये वाला समझने के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सही है। अब कर लीजिए, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आ गया vy इज इक्वल टू 26 आया था ना, 26 मीटर पर सेकेंड। देखो तुम लोग नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन अपने क्लास में कर चुके होगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम करने का, तो थोड़ा सा अगर कोई डिमोटिवेट हो रहे हो तुम लोग तो प्लीज मत हो, नया कुछ सीखना पर्पस है, केवल ईगो बूस्ट करना पर्पस नहीं है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एकदम ईगो मेरा बूस्ट है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है, इजी इजी भी करा सकता हूँ नॉर्मल लेक्चर में। देखो मैं भी कराता ही हूँ ना, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो कहाँ ऐसे सम कराता हूँ, वहां तो धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड इन एनी टर्म्स, इस क्लास का पर्पस ही यही है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम करना। क्लियर? यस सर। पक्का ना? यस यस सर। कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्प्रिंग वगैरह पढ़ चुके हो बेटा लॉज ऑफ मोशन में तो? हाँ सर। यस सर। एक कोशिश करते हैं जरा स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम करने का, आगे बढ़ूं? एक ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन छोटा है वैसे, मुझे जस्ट एक चेक करना है कि स्प्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है या कुछ मुझे बताने की जरूरत। तो आज कम से कम लॉज ऑफ मोशन में एक वो वाला तो नई चीज सीखा कि हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन लगाने में ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, नहीं तो नॉर्मल वे से कंस्टेंट लगाने जाओगे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? तो ये वाला टूल भी यूज करने की कोशिश करना।
बोलो बोलो, बहुत देर हो गया सर. 1:1 सर, 1:1 1:1 है क्या? देखा नहीं, एक सेकंड आंसर देख के बताता हूँ. कौन सा दिया था? 12th नंबर दिया था सर. नहीं बेटा, 1:1 नहीं. तो 25/24 है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. किसने बताया? सर केविन. केविन, बहुत बढ़िया बेटा. 25/24 करेक्ट आंसर है. बहुत बढ़िया. सो करेक्ट आंसर इज 25/24. देखो और भी लोगों को आया क्या? केविन को आया, और लोगों को भी आ सकता है. अब मैं बताने जा रहा था बट रुक गया. किसी एक ने बताया तो बाकी लोग भी कर ही सकते हो. कोशिश करो. देखो बाकी लोग भी कोशिश करो, आ ही जाए. और किसी को, और कोई एक दो लोग बोल दो आंसर तो मुझे अच्छा लगेगा.
चलो सुनो, स्प्रिंग के बारे में आप लोगों को सर ने ये पढ़ाया होगा कि जब भी कभी स्प्रिंग को सडनली कट करते हैं तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं होता, ये मालूम है? सॉरी, हाँ सर बोला था। तो स्प्रिंग और स्ट्रिंग में यही फर्क है, स्ट्रिंग को अगर कट करोगे ना तो उसका फोर्स तुरंत जीरो हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में टेंशन सडनली विल गेट रिड्यूस टू जीरो, बट स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ आने में टाइम लगता है, इसीलिए स्प्रिंग को शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। देखो बाइक के सस्पेंशन में या कार के सस्पेंशन में हर जगह स्प्रिंग यूज होता है ना, क्योंकि जैसे ही गड्ढे में आपकी बाइक गई और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो जब गड्ढे से बाहर या मतलब स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो गया तो अचानक से तुरंत स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर नहीं आ जाएगा, नहीं तो फिर चोट लग जाएगी ना। तो स्प्रिंग को इसलिए शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं क्योंकि उसका जो रेसिडुअल रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो धीरे धीरे जीरो होता है, तुरंत नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम में एक में क्या है, ये 2 kg का मास दो स्प्रिंग से अटैच्ड है और दूसरे में 2 kg का मास स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो जैसे ही स्प्रिंग को कट करेंगे तो एक वाले केस में क्या है कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स मेंटेन रहेगा और mg तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहले फिगर वन फिर फिगर टू। फिगर वन के हिसाब से देखिए, देखो यहीं पे डायग्राम दोनों साथ साथ बनाते हैं, केस वन केस टू। पहले वाले केस में ये स्प्रिंग है, राइट स्प्रिंग को कट किया है ना, तो ये 2 kg है, तो 2 kg का वेट 20 N इधर होगा और ये जो स्प्रिंग का फोर्स होगा कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे, वो इधर होगा। yes. आया ना? yes, yes. और ये वाला एंगल मेरा 37 degree होगा, ये हुआ मेरा पहले वाले केस में जिसमें कि हमने स्ट्रिंग को कट किया है। ठीक है, yes. दूसरे वाले केस में जिसमें हमने स्ट्रिंग को कट किया है उसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, टेंशन टी इधर होगा, एमजी 20 N इधर होगा और वो 37 degree जो था वो तो रहेगा ही। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में ये फर्क है कि स्प्रिंग तो आगे पीछे हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग का लेंथ तो चेंज नहीं करेगा। यस सर। तो स्ट्रिंग का मैं ये कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, बट स्प्रिंग के केस में इस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है ना। यस सर। है ना, तो इस केस में जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हम इस डायरेक्शन में भी लिखेंगे एक्सेलरेशन है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लिखेंगे एक्सेलरेशन है, लेकिन इस केस में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल और केवल इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर क्लियर? यस सर। तो फटाफट बताओ ये एंगल कितना हुआ? होगा ना 53। तो ये mg का cos 53 कंपोनेंट कितना हुआ? बोलो बोलो। 12 साइन 53 कंपोनेंट कितना हुआ? 16 16 न्यूटन।
तो इस केस में तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे t इज इक्वल टू 12 लिख देंगे क्योंकि yes, इधर तो कुछ नहीं होना चाहिए एंड 16 इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे yes, sir. तो 16 मास है 2 kg है ना yes. तो 2 into a तो इस केस में एक्सेलरेशन हो गया मुझे लगता है 8 m/s² ठीक है इस साइड की कहानी देखो आप जब ये इक्विलिब्रियम में था उस समय स्प्रिंग फोर्स कितना था 50/3 तो हम ये लिख सकते हैं कि इस 2 times स्प्रिंग फोर्स का साइन 37 कॉम्पोनेंट इज 20 यस सर पक्का सोच लो तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया बता दीजिए 50/3 न्यूटन मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा इसने कहा मैं मान लिया मैंने नहीं देखा ये हो गया 50/3 यस सर तो जैसा मैंने सिखाया अभी कि स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर होता है इसका जो स्प्रिंग फोर्स 50/3 है ये इस मोमेंट पर भी 50/3 ही रहेगा धीरे धीरे कम या ज्यादा होगा तो एट दैट इंस्टेंट ये फोर्स 50/3 हो गया ये आपने अभी देखा 12 न्यूटन ही है और ये आपने देखा 16 न्यूटन ही है ना यस सर तो इसका एक्सेलरेशन जो इधर की ओर होगा वो तो 8 m/s² होगा लेकिन इसका इस डायरेक्शन में भी तो एक्सेलरेशन होगा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं यस सर तो 50/3 - 12 = m * ar बोल दो इसको रेडियल डायरेक्शन जस्ट नाम दे देते हैं इसको रेडियल डायरेक्शन नाम दे देते हैं इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन नाम दे देते हैं तो ये 8 मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आया और ये रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हुआ तो 12 × 3 = 36 50 - 36 कितना होगा 14 by 3 और मास हो गया 2 kg तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 7/3 तो यहां से मुझे रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया 7/3 m/s² तो इस केस में टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा इन दोनों का होल स्क्वायर 8² + 7² / 3² यस सर कितना आएगा बताइए कैलकुलेशन करके मुझे ये सब नहीं आता आप लोग मुझे फाइनली बता दीजिए कितना आएगा ट्वेंटी फाइव बाई थ्री Yes. सब लोगों ने चेक कर लिया तो ये हो गया 25/3 तो इसको एक्सेलरेशन 1 कह दीजिए इसको एक्सेलरेशन 2 कह दीजिए तो आपसे यही a1/a2 का रेशियो पूछा है ना सो 25/3 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हो जाएगा मेरा 25/24 m/s² सॉरी यूनिट नहीं होगा ना इसका माय मिस्टेक रेशियो है ना आया समझ में यस सबको समझ आया तो वो जो सर ने सिखाया होगा कि स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर होता है
उसका रेस्टोरिन फोर्ड कटने के बाद तुरंत जीरो रिड्यूस नहीं होता है, ये उसी बात को समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल दिया था। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। चलो भाग जाओ सर। अब नहीं पढ़ाऊंगा, सुबह से चल रही है दुकान। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और करेंगे। ठीक है। बाय। यस सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।